नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत जब अपने 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मेजबानी कर रहा है, नई दिल्ली और पेरिस की निकटता पर लंबे चौड़े लेख लिखे जा रहे हैं। उस फ्रांसीसी राष्ट्रपति को याद करना जरूरी हो जाता है जिसने भारत का तब साथ दिया जब कोई उसका हमराह होने को तैयार ना था। बगैर उसके दृढ़ संकल्प के भारत फ्रांस संबंध हो सकता है इतने मधुर नहीं हुए होते जितने आज हमें दिख रहे हैं, जिनके बारे में कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वह भारत को समझने वाले पहले फ्रांसीसी नेता थे। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक की। शिराक दो बार फ्रांस के प्रधानमंत्री, दो दफा ही राष्ट्रपति और लगभग 18 बरस तक राजधानी पेरिस के मेयर रहे हैं। यूरोप में गिने चुने ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक करियर लगातार इतना लंबा रहा हो। वहीं पिछले बरस जिस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर मोदी मैक्रों सरकार फूले नहीं समा रहे थी, बता दें नरेंद्र मोदी को फ्रांस के बास्टिल डे समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर दिए जाने को दोनों देशों के संबंधों का एक नया अध्याय कहा जा रहा था। भारत और फ्रांस के बीच उन रणनीतिक साझेदारी की नींव साल 1998 में तब पड़ी जब शिराक का भारत दौरा हुआ। जी हाँ, बता दें शिराक 1995 से 2007 के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। वहीं 1998 में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर राष्ट्रपति उनकी अगवानी के आर नारायण ने की थी। हालांकि इससे पहले साल 1976 में भी वह भारत आ चुके थे, तब वह फ्रांस के प्रधानमंत्री होने के नाते दिल्ली रिपब्लिक डे के कार्यक्रम में शरीक हुए। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उनका आगे बढ़े राजपथ पर स्वागत किया था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी साल 2006 में वह भारत आए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ दिल्ली हैदराबाद हाउस में बैठक की और भारत फ्रांस संबंधों की एक नई इबारत लिख गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए जैक्स शिराक ने जो भारत के पक्ष में स्टैंड लिया, वह भुलाए नहीं भूलता।